नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल, में हूं आपके साथ महेश। नीमच के कनावटी में देर रात्रि में रावण दहन के बाद दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया, जिसमें एक पक्ष के चार व्यक्ति तो दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हुआ। बताया जा रहा है कि विवाद में लाठी और धारदार हथियारों से हमला किया गया। देर रात्रि जो मामला कैंट थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्षों की FIR लिखी गई। बताया जा रहा है कि रावण दहन के बाद दो युवकों प्रीतेश और नीरज का अन्य युवकों के बीच कहासुनी हुई, जिसके कुछ देर बाद कुछ लोग तलवार और लठ लेकर आए और हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि विवाद में एक पक्ष के अभिषेक पिता शांतिलाल पाटीदार उम्र 20 वर्ष निवासी कनावटी, वहीं महेश पिता मदनलाल धोबी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्वालटोली, अनिकेत पिता कृष्णकांत सेन उम्र 14 वर्ष निवासी कनावटी, राज पिता दशरथ मालवी उम्र 23 वर्ष निवासी ग्वालटोली घायल हुए, जिनका जिला अस्पताल में देर रात्रि में उपचार चल रहा था। वहीं बता दें कि सामने वाले पक्ष से दीपक पिता भेरू नायक उम्र 35 वर्ष निवासी कनावटी भी घायल हुए। वहीं देर रात्रि अभिषेक और महेश को घायल अवस्था में उदयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद कैंट थाने पर देर रात्रि बड़ी संख्या में ग्रामीणों और परिवारजनों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं कैंट पुलिस ने दोनों पक्षों की FIR दर्ज करी और पूरे मामले में CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले की जाँच कैंट पुलिस कर रही है।